सो हे वर्सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज के गेम प्ले के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे ग्राफिक्स जो भाई मतलब लिटरली और दिल खुश कर देते हैं भाई। एकदम से मजा आ जाता है ये वाले ग्राफिक्स देख के। तो भाई लोग, मैंने जो है अपने वर्ल्ड के अंदर तीन सेडर्स को इनेबल करा है, ठीक है। तो वो सेडर्स के लिंक वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। पहले आप लोग देखो यार मेरे चेस्ट प्लेट को, इसको देखो, आर्मर को, भाई क्या ही लग रहा है, जहर। और हाँ, तो मैं आपको पहले मैं अपने वर्ल्ड के अंदर घुमा देता हूँ थोड़ा सा, जो मेरी सर्वाइवल सीरीज है जो हम काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है साइड में। तो मैं आज के अंदर ऑनलाइन आ चुका हूँ और देखो यार मैंने क्या क्या प्रोग्रेस कर ली वो भी दिखा दूँगा, और साथ के साथ ये जो सेडर्स हैं ये लग कैसे रहे हैं भाई वो भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इलाइट्रा पहनता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद चलो घुमाना शुरू करता हूँ। बट यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए फिर घूमना शुरू करते हैं। तो ये तो है हमारा आयरन फार्म, और यहाँ पे मैं जाके दिखा देता हूँ। ये वही आयरन फार्म है जो कि मैंने आप लोगों को क्रिएटिव में बना के दिखाया था अपने दूसरे वर्ल्ड में, सेम टू सेम वही है। और भाई आयरन देख ही सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पर सिर्फ 5-10 मिनट ही कह रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। और उसके साथ साथ भाई भाई ग्रास देखो यार क्या ही लग रही है। और ये हमारे कुछ 4 बीकन्स यहाँ पे, गोल्ड का है, डायमंड का है, आयरन का है, और साथ ही साथ एमरल का भी बीकन बना रखा है मैंने। और ये वाले इतना सारा मैं सामान लाया कहाँ से। तो भाई देखो, मैंने आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले एक ग्लिच की वीडियो बताई थी जिसके अंदर आप लोग इनफाइनाइट एमरल वगैरह ये सब कुछ ले सकते हो, डायमंड वगैरह। तो उसी ट्रिक से मैंने ये सब कुछ बनाया। और देखो सभी के ऊपर ना मैंने मैचिंग मैचिंग ग्लासेस भी लगाए, और बीच में यहाँ पे एक नेदराइट का ब्लॉक भी रखा है, क्योंकि यार मेरे पास नेदराइट ज़्यादा था नहीं तो मैं इसको ग्लिच में यूज़ कर नहीं पाया। खैर इसको बाद में यूज़ करेंगे, पहले आप लोग भाई यहाँ से ग्राफिक्स देखो भाई क्या ही लग रहे हैं। देखो अभी ना मैं एक काम करता हूँ, अपने क्रीपर फार्म के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। भाई ये देख रहे हो सामने, भाई क्या ही लग रहा है यार ये सूरज डूबता हुआ, मतलब नेक्स्ट लेवल यार। ओके यहाँ से जो है अभी मैं बस पहुँचने वाला हूँ क्रीपर फार्म पे। ओके अपने क्रीपर फार्म पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ से भाई देखो आप लोग यार अभी इसकी नाइट भी देखना, क्या ही शानदार नाइट होने वाली है। ओ भाई साहब देख रहे हो। और हाँ मैंने इसके अंदर कौन कौन से सेडर्स का यूज़ करा है तो देखो मैं बता देता हूँ तुम लोग को। सबसे पहले तुमको एडऑन्स फॉर माइनक्राफ्ट ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 8 से 10 MB की एप्लीकेशन है, छोटी सी, बस इसको डाउनलोड कर लो। एंड उसके बाद जो है मैं आपको 3 सेडर्स बता रहा हूँ, ठीक है, बस उनको लगा लेना भाई। तुम्हारा मतलब जो गेम का एक्सपीरियंस है ना भाई वो 1000 गुना तक बढ़ जाएगा भाई, एकदम से 1000 गुना तक। भाई आप लोग देखो एक बार क्या ही लग रहा है यहाँ से नज़ारा। अभी रुको मैं पहले घर पे जाके 100 के दिन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको ये बाकी की चीज़ें, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो देखो सुबह हो चुकी है और अपना सूरज भी भाई निकलते हुए क्या ही सुंदर लग रहा है ना। तो देखो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से शेडर्स को इस माइनक्राफ्ट के अंदर यूज़ करा है रियलिस्टिक बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो पहली आती है उसका नाम है बेटर ग्लास एड ऑन, ठीक है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना ये सारी सारी आपको उसके ऊपर आराम से मिल जाएंगी, बस आपको ये वाले नाम डाल के ना उनको सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, और बस एक्टिवेट हो जाएंगी वो अपने आप, ठीक है। और दूसरी का जो नाम है वो है ओशियन सेडर रेंडर ड्रैगन, ठीक है। इसके अंदर आपको इन्हेंस लाइटनिंग, ब्लू ब्यूटीफुल लाइटनिंग, और मतलब नाइट रियलिस्टिक वाटर वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये था हमारा दूसरा सेडर पैक, और इसके बाद सिर्फ हमको एक सेडर की और ज़रूरत है जो कि हमारे ग्लासेस को रियलिस्टिक बना सके। तो उसके लिए मैंने जिस सेडर का यूज़ करा है उसका नाम है विलो 64X, बस ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो 3 सेडर्स है ना इनका यूज़ अगर आप लोग करते हो तो भाई मतलब एक बार आप मेरा घर देख लो यार, मैं आपको आगे से भी दिखा दूंगा। ये पहले तो ये देखो ये वही रूम है जिसके अंदर हमने अपना वो सामान रखा था जो हम माइनिंग से लेके आए थे, ठीक है। इसको ना मैंने ऐसे कैसा रखा हुआ है कि उसके बाद से मैं कभी माइनिंग पे गया ही नहीं, माइनिंग पे क्या मैं शायद इतना खेलता ही नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत आता हूँ अपने इस वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस सीरीज को थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए ना होल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से जो है कुछ गेस्ट रूम है हमारे घर के अंदर, और कुछ नहीं मतलब बहुत सारे हैं भाई। ऊपर का जो ये फ्लोर है ना ये पूरा ही गेस्ट रूम है, ठीक है। नीचे वाले पे मेरा है, उसके नीचे फिर हम लोग बैठ बैठ सकते हैं, और इधर की साइड से जो है हम लोग बाहर चलते हैं। तो भाई ये ग्राफिक्स देखो यार भाई, मतलब भाई मेरा मन नहीं करता गेम को बंद करने का, सोच रहे हो। अभी देखो यहाँ से जब हम लोग जाते हैं ना तो ये आता है हमारा एक टाइप से तबेला बोल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कुछ घोड़े हैं, कुछ सीप और कुछ काऊ बस। और ये जो लास्ट वाला भाई पता नहीं मैंने ये क्यों बनाया, बस खाली पड़ा है तो पड़ा है।
और अब दिखाता हूँ मैं आपको सामने से हमारे घर की लुक। ये जो पूरा एरिया ना सामने का, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, बहुत टाइम जा रहा है इसमें। ये देखो भाई, ये है हमारा घर सामने से, क्या ही लग रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो बस यार फिर ये जो मैंने 3 सेटअप बताए ना, इनको जाके वहाँ से सर्च करो, डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो अपने माइनक्राफ्ट के अंदर, और बस एक्टिवेट करके खेलो भाई। ये मतलब आपका अगर लो एंड डिवाइस है ना तो भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और भाई हाँ, एक चीज़ तो मैं दिखाना भूल ही गया कि इस सेटर्स के अंदर ना जो आपका डेजर्ट है भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल लगने वाला है, मैं आपको लेके चलता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ और दिखा दूँ, हमारा नेदर पोर्टल भाई। भाई इसको देखो यार एक बार, यार चलना, ये जो ऑब्सिडियन लगा हुआ ना इसके चारों तरफ, भाई क्या ही लग रहा है, देख रहे हो, एकदम रियलिस्टिक भाई, एकदम रियलिस्टिक, मस्त यार। तो चलो अब मैं ना डेजर्ट में आपको ले जाके दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो मैं डेजर्ट के अंदर आ चुका हूँ और भाई देख रहे हो यहाँ की सैंड, देख रहे हो क्या ही लग रही है ना, एकदम मतलब खतरनाक लग रही है भाई, क्या ही मज़ा आता भाई इसके अंदर खेलने में। तो आप लोग भी भाई खेलो, इन्जॉय करो, और भाई मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी वीडियोज़। और हाँ, अगर आपको किसी और टाइप के भी सेटर चाहिए ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के यूज़ करने चाहिए। और शायद आप लोगों ने एंजॉय करी होगी इस वाली वीडियो को, तो अगर एंजॉय करी तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।